वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने शेयरिंग चैनल दिवस शेयर्स में। तो आज की शुरुआत मैं एक शायरी से करना चाहूंगा। हटा दीजिए अपने चेहरे से ये जुल्फ, हटा दीजिए अपने चेहरे से ये जुल्फ, टुडे आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट सम प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी कॉल्ड पिंक वुल्फ। गालियां तो चलिए, तुकबंदी है और मैं क्या कहूँ, आजकल इसको पीजे भी कहा जाता है, पकाऊ जोक्स, तो करना पड़ता है कभी कभी ये हरकतें भी। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। सो तीन दिन पुरानी दाढ़ी, या तीन दिन दाढ़ी रखने में मेरे को बड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वैसे तो मैं रोज का शेव करने वाला हूँ, मगर वीडियो जब बनाना होता है तो दो दिन तीन दिन तो रखनी होती है। सो जल्दी से देखते हैं आज के प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो पिंक वुल्फ का नया शेविंग सोप, निरोली एंड मैंडरिन लग्जरी शेव सोप। तो आपको पहले भी पता है कि पिंक वुल्फ के तीन सोप्स अवेलेबल हैं अभी, तो एक सैंडलवुड ऊद, फिर सी बकथर्न एलोवेरा, और उसी के साथ वो शेरिक ब्लू। अब वो तीनों ही मेरे को बहुत 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 पसंद है। रीजन इज ओनली वन, अमेजिंग फ्रेग्रेंस, फंटास्टिक लेदर। अब ये जो है इसको जल्दी से मैं खोल के, सो दिस इज पेल वाइटिश कलर, ऑसम। एक चीज तो माननी पड़ेगी, जो पिंक वुल्फ की R&D डिपार्टमेंट है वो फ्रेग्रेंसेस पे बहुत अच्छा काम करते हैं, और इतनी सटल, इतनी बढ़िया फ्रेग्रेंस होती है कि इनको रिलेट करना पड़ता है कि ऐसी कहीं हमारी फ्रेग्रेंस हमने कभी स्मेल की है, और माइंड हमेशा आंसर देता है कि नहीं किया, और फिर भी ये बड़ी अच्छी लगती है। सो दिस इज 50 ग्राम टब, लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स टुडे। यस, सो मेरे चैनल में पहली बार पिंक वुल्फ का बोर ब्रश और हैंडल, क्योंकि ये रेजिन का है, इट्स अ बोर ब्रश और मरून कलर का है, और बोर ब्रश से पता नहीं क्या है, मेरे 36 का आंकड़ा रहा है हमेशा, कभी मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो हमारे, मैं काफ़ी सलाह लेता रहता हूँ हमारे जो है शेविंग गुरुओं से, तो उसी में आशीष आहूजा जी से मैंने एक बार बात की थी 5-6 महीने पहले। मैंने कहा यार बोर ब्रश लेना है, मतलब आँख बंद करके पिंक वुल्फ का ले लो। अब मैंने कहा यार वो इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, आई डोंट नो, तो मैंने मंगा लिया। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट, सबसे अच्छी बात क्या लगी इस ब्रश की, कि इसको मेरे को ब्रेक इन करना ही नहीं पड़ा। फिर भी क्योंकि माइंड में वो होता है कि हमने इस तरह के वीडियोज देखे हैं, तो मैंने इसको लेके पानी में भिगा के, और फिर क्या कहते हैं उसको, फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में 24 आवर्स के बाद फिर मैंने उसको करा, फिर स्मेल आती है थोड़ी सी वो बोर की, बोर स्मेल। तो 2-3 घंटे मैंने हल्के ल्यूकवॉर्म वाटर में थोड़ा सा इजी या डिटर्जेंट के साथ थोड़ा वो रखा, स्मेल बिल्कुल चली गई। और उसके बाद जब मैंने पहली इससे परफॉर्म किया, इसने क्या, ये एक मशीन बन गया मेरे लिए, लादरिंग मशीन, और अब मैं अक्सर वीकेंड्स में इससे इंजॉय करता हूँ। हाँ, मगर इसमें एक चीज़ है कि इसको सिंथेटिक ब्रश को भिगाना नहीं पड़ता ज़्यादा, इसको मैं हल्के ल्यूकवॉर्म वाटर में 10-15 मिनट या नॉर्मल सादे पानी में भी 15-20 मिनट पहले डुबो देता हूँ, और उसके बाद बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। और तो ये भी मैंने 30 मिनट शायद पहले भिगा दिया था, और अब तो स्मेल बहुत ही कम हो गई है उसकी, ऑलमोस्ट ना के बराबर, और इसका नॉट बहुत ज़बरदस्त है, ऑलमोस्ट 20 मिलीमीटर का है। सो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स, व्हाट काइंड ऑफ लादर मेक्स टुडे, इट मेक्स टुडे। और आज जो मैं पाकर का शॉर्ट हैंडल 94R यूज़ करूँगा, क्लोज कॉम रेजर, इसके बारे में पहले बहुत बार मैं बता भी चुका हूँ। एंड टुडे आई एम गोइंग टू यूज लेजर अल्ट्रा ब्लेड, इसका आज दूसरा इस्तेमाल होगा। तो लेजर अल्ट्रा भी बहुत ही अच्छा ब्लेड है भाइयों, और हमेशा ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। नॉर्मली मैं 2 शेप से ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मगर 3 शेप ही आराम से देता है। तो इसको मैंने लोड किया, और पोस्ट शेव में आज ये पिंक वुल्फ का ऊद एंड सैंडलवुड, एक सैंपल जो मेरे को भेजा था सुबोध जी ने, जेल जो है इसको आज मैं यूज करूंगा।
थोड़ा सा मैंने इसमें हल्का सा पानी डाला है, स्क्वीजिंग आउट ऑल द वॉटर। तो चलिए लेट्स क्रिएट द लादर। सो आप देख सकते हो बहुत अच्छा लादर बन रहा है। बोर ब्रश के साथ मैंने एक चीज देखी है, क्योंकि मैं तो ज्यादा यूज ही नहीं करता था, मगर अब मुझे लगता है मेरे को अपने कलेक्शन के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। बहुत सारे फोरम्स में मैंने देखा है कि जो लोग एक बार बोर ब्रश यूज करते हैं वो और दूसरे ब्रश की तरफ जाते ही नहीं है, तो मेरे को ऐसा लगता था ऐसा है क्या यार, आधे टाइम तुम इसमें ब्रेक इन और ये सब पचड़ों में पड़े रहते हो। अगर इस ब्रश के साथ जो मेरे गलत बिलीव्स थे वो चेंज हुए, एंड नाउ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट a little bit more on purchasing such kind of bore brush, so बहुत ही अच्छा ब्रश है। और एक चीज मैंने देखी है कि आपका अगर आप बोल लादिंग नहीं करते हो तो आपकी जो फेस का एक्सफोलिएशन बहुत अच्छे से करते हैं, मच बेटर देन सिंथेटिक ब्रशेस। लाजवाब स्मेल है यार, ऑसम। हर कंपनी का ना एक प्रोडक्ट का या उस कंपनी की जैसे कहते हैं कोर बिलीव्स, उसका एक डीएनए होता है। मैंने ये चीज हमेशा देखी है और उसी के आसपास वो अगर उन बिलीव्स को मानते हैं जिसको वो प्रोजेक्ट करते हैं। तो मैंने देखा है कि जो पिंक फुल्फ है दे रियली वर्क वेरी मच मोर ऑन फ्रेग्रेंसेस। प्रोडक्ट तो चलो अलग बात है, वो एक्सपीरियंस एक अलग चीज है, मगर फ्रेग्रेंस जो इनकी है बहुत ही अलग होती है। और ज्यादातर वो जो है फ्रेग्रेंसेस जो है ओरिएंटल बेस होता है उनका। ओरिएंटल का मतलब थोड़ा सा अपना खुद देसी ईस्टर्न, एक्सेप्ट फॉर फ्यू जैसे ऊद एंड सैंडलवुड, और फिर ये इसमें निरोली है। थोड़ा मुझे लगता है ब्रश में पानी ज्यादा रह गया था, इसलिए हल्का सा जो है वो लादा जो है उतना थिक नहीं बना है, मगर दो तीन बार मैं और करूंगा, लेट्स सी। सो फर्स्ट पास एज यूजुअल विद द ग्रेन।
सो तीन दिन पुरानी ग्रोथ को सटासट इस ब्लेड ने रिमूव किया। वैसे वेट शेविंग में सटासट ब्लेड टू ओवर डे फिट नहीं होता, वो सटासट जो है जेरिट और वो प्रेस्टो टाइप के जो यूज एंड थ्रो रेजर होते हैं उनके साथ ज्यादा फिट होता है। यह प्रिंसिपल का जो फ्रेग्रेंस है ना, सैंडलवुड और ऊद वाला, ऊद एंड सैंडलवुड, और एक ये इसको लगा के और इसकी जो फ्रेग्रेंस है बड़े ही स्पिरिचुअल भाव होने लगते हैं। अगर मैं ट्राइगोनल से कंपेयर करूं ना, ट्राइगोन इज जो इंडियन मेड जो सोप है, कहते तो ऐसा ना हो जैसे दुनिया के सारे सोप्स को मैंने यूज किया है तो अपने जो भारतीय सोप्स हैं अच्छे जो प्रीमियम लग्जरी क्वालिटी के हैं उसमें मैंने एक चीज देखी है, जो ट्राइगोन जो है उनके जो फ्रेग्रेंसेस बहुत ही सटल रखते हैं वो लोग, जो भी है बहुत अच्छा, उनका वाइल्ड सीज है, वुडलैंड एम्बर है, वो बहुत सटल होते हैं, मगर कहीं ना कहीं स्लिकनेस के मामले में वो थोड़े 20 पड़ते हैं पिंकफुल से। पिंकफुल का जो है 18.5-19, मगर स्लिकनेस जो है वो ट्राइगोन की बेहतर है, मगर पिंकफुल जो है एक छलांग ऊपर लगा लेता है, दो छलांग ऊपर लगा लेता है अपनी फ्रेग्रेंस के ऊपर। यस, फ्रेग्रेंस की वजह से। ब्रश में पानी ज्यादा रह गया, लेट आई कैन फील। चलिए ये जो लादा जो हुआ ना, पानी ज्यादा रह गया। थोड़ा सा सोप और लेता हूं, नाउ इट्स परफेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है हमारी टेक्निक भी गलत होती है, तो अभी जो मैं को सही बताऊं, लादर में जो थिकनेस होती है वो थोड़ी कम लग रही थी, तो मैं बार बार जब नीचे उसको देख रहा था तो ड्रिप कर रहा था यहां से पानी, तो अब ठीक है। यस परफेक्ट। चलिए सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन। देखिए जेरेट अल्ट्रा भी बहुत ही अच्छा ब्रेड है, व्हेनेवर आई यूज इट ये काफी स्मूथ ब्रेड है, शार्पनेस के मामले में मैं नहीं कहूंगा पर स्मूथनेस बहुत अच्छी रहती है।
इरेजर जो है इसका हैंडल काफी छोटा है मेरी लाइकिंग के हिसाब से, मगर वेट इतना अच्छा है, इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड रेजर, सो आई ऑलवेज एंजॉय शेविंग विद इट। परफेक्ट, परफेक्टली स्मूथ क्लीन शेव एज यूजुअल। तो आज मैं यहां पे नेक एरिया में मैंने अगेंस्ट द ग्रेन नहीं चलाया, बहुत ही जिसे कहते हैं ना बहुत ही माइन्यूट जिसे कहते हैं, यहाँ पे हल्के से ग्रेन्स दिख रहे हैं, मगर उसके लिए मेरे को तीसरी बार रेजर चलाने की कोई जरूरत लग नहीं रही है, आई एम सेटिस्फाइड। एलम, तो ये एक ऐसे टेस्ट है, इट्स अ लिटमस टेस्ट, अगर आपकी जो है रेजर आपने खूब भयंकर रूप से चलाया है, ब्लेड जो है हल्का सा खुरदुरा है, ये उतनी स्मूथ शेप नहीं बनी है, तो आपको जलन होती है, और अभी मेरे को बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है। यहाँ पे हल्की सी है जलन, थोड़ा सा सेंसेशन हल्का सा यहाँ, मगर गालों पे और लिप एरिया के ऊपर तो पता ही नहीं लग रहा है, तो दैट मीन्स इट्स अ क्लोज एक्सट्रीमली स्मूथ शेप, डोंट डाउट अबाउट दैट। सो आई होप इस सोप को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आफ्टर शेव लोशन या आफ्टर शेव जेल या आफ्टर शेव स्प्लैश पिंक फोर्स जल्दी से मार्केट में लेके आएंगे, मगर फिलहाल तो मैं ऊद एंड सैंडलवुड का जो एक सैंपल पैक मेरे को भेजा गया है उसका जेल यूज कर रहा हूं। तो दिस मच इज इनफ। हल्का सा, बहुत ही अगेन वेरी स्मॉल, जो छोटा सा हल्का सा बर्निंग सेशन होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट माइट हैव इथाइल अल्कोहल, बट उसके बाद गुड फ्रेग्रेंस। मगर ये जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही अगर हल्की है, जो सोप में जो स्मेल है उनके और जो आफ्टर शेव लोशन में आती है ऊद एंड सैंडलवुड की, उसके मामले में इस जेल में थोड़ी कम है, बट जो भी है जो आफ्टर इफेक्ट होते हैं शेविंग के, वो पिंक वुल्फ के प्रोडक्ट को यूज करके एक बहुत ही अलग लेवल के हो जाते हैं, इससे तो कोई भी व्यक्ति नहीं नकार सकता। यस एंड सेम विथ मी ऑल्सो। सो इसीलिए रोटेशन में वीक में एक बार दो बार पिंक वुल्फ के प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि कभी मन करता है कि यार ठीक है आज कुछ अलग एहसास चाहिए, तो लेट मी यूज दिस। तो शेविंग सोप के बारे में क्या कहूँ, फील फैक्टर बिल्कुल पुराने सोप की तरह है, बट खुशबू आला दर्जे की है, इसके लिए आप इसको डेफिनेटली खरीद सकते हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस, आउट ऑफ 5 डेफिनेटली 4.5 तो मिलने चाहिए इसको। ब्रश, ये एकमात्र ऐसा ब्रश है जिसने मेरी भ्रांतियां जो हैं तोड़ी हैं बोर ब्रश के मामले में, बहुत पसंद है मेरे को, सो फंटास्टिक गुड क्वालिटी बोर ब्रश। रेजर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अभी तक इसको 1.5 साल हो गया है, 1 साल हो गया है शायद, और कोई प्लेटिंग का कोई भी ऐसा इशू नहीं है, और ये भी कंटिन्यूस रोटेशन में मैं हमेशा रखता हूँ इसको, इवन वाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो इसको मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। और ब्लेड तो अच्छा है ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, मगर मैं ज़्यादातर दो बार यूज़ करके फिर मैं उसको डिस्कार्ड करता हूँ ब्लेड, बट दिस इज अ फैंटास्टिक ब्लेड, वेरी स्मूथ यू नो शेप विद इट, एंड ऑफकोर्स आफ्टर शेव जेल। तो होपफुली इसका बड़ा पैक जो है मेरे को ऑर्डर अप करना पड़ेगा, इट्स गुड एटलीस्ट फॉर रेनी सीजन जिसे कहते हैं, या अभी क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है इन दैट टाइम, वो बाम से ज़्यादा अच्छा मेरे को ये जेल लगता है। सो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको आज का शेविंग डेमो या सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने साथ के शेविंग जो आपके बड़ी लोगों के साथ, और कोई भी आपको जो है अगर कोई जो है सजेशन देना है तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर रख सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा। बाकी मैं क्या कहूँ, खुश रहो और शेविंग के मजे लेते रहो, बाकी लाइफ में रखा क्या है, और चलना है बहुत हो गया। Take care, bye-bye. See you soon. Jai Hind.